जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी और उसमें मौजूद एक्सरसाइज एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। सो बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे फीड, द फीचर दे हैव इन कॉमन, हाउ दे रेस्पायर, हाउ दे कैन सर्वाइव। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमें हमेशा जानदारों में जो चीज़ कॉमन होती है उसकी बेस के ऊपर ही क्लासिफिकेशन की जाती है। तो हम द फीचर दैट दे हैव कॉमन के ऊपर जो है आंसर को सही कंसीडर तस्लीम करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एमसीक्यू। द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से जानदार होंगे? यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा, प्रोटिस्टा में कभी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ही एक किंगडम है। सो ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो इसमें जो हम लेंगे अब जवाब, वो हम क्योंकि नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया में होता है, तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तो लेंगे, लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर को ले लेंगे। ठीक है, सिंपल मल्टीसेलुलर एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, लिहाजा किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड करेंगे। दैट इज़ द राइट आंसर फॉर नाउ सेक। या आप कह लो कि किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर एनिमल्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो है वो किंगडम है। तो इसमें सिंपल मल्टीसेलुलर तो हो सकते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर, ट्रू मल्टीसेलुलर कभी भी नहीं हो सकते, राइट? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम बिकॉज, वायरसेस जो हैं वो किसी भी किंगडम में इनको नहीं रखा गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये बदकिस्मती है कि वायरसेस की किंगडम जो है वो अभी तक खास तरीके से नहीं बनाई गई। लेकिन ये है कि उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? दे आर टू पोअरली अंडरस्टूड, इनको समझना मुश्किल होता है। दे आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। देयर जेनेटिक जेनेटिक्स कैन नॉट बी डिटर्मिंड, उनकी जेनेटिक्स जो है वो शायद पता नहीं लग सकती। दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड नहीं किया जाता। तो ये काफ़ी सॉलिड रीज़न है, क्योंकि इनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता। इनकी जेनेटिक्स जो है वो उसको तो स्टडी कर लिया गया है। आरएनए वायरसेस भी होते हैं और डीएनए वायरसेस भी होते हैं, और दे आर टू स्मॉल, शायद ये वजह नहीं है। माइक्रोस्कोप्स तो अब एटम्स को भी देख सकती हैं, तो टू स्मॉल होना भी इतनी पुरखतर बात नहीं कि क्लासिफिकेशन नाम करें। सो दे आर टू पुअरली अंडरस्टूड, ये भी किसी हद तक सच है, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इनके बारे में। तो आई थिंक सो डी इज़ द क्लोजेस्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम मज़ीद सोचें और चलें अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, तो चौथा क्वेश्चन है वायरसेस आर असाइन टू द किंगडम, वायरसेस किस किंगडम को असाइन किए गए? तो याद रखिएगा, वायरसेस जो हैं जिस किंगडम को असाइन किए गए हैं वो इनमें से कोई भी किंगडम नहीं है, क्योंकि किंगडम मोनरा में, आप किंगडम मोनरा को कह सकते हैं बैक्टीरिया की किंगडम है। और इसके अलावा आप प्रोटिस्टा जो है वो सब प्रोटिस्ट आ जाते हैं उसमें, उसमें प्रोटिस्ट में आप प्रोटोजोन को ले सकते हैं, एल्जे को ले सकते हैं, मोल्ड्स को ले सकते हैं, यानी फंगस लाइक को ले सकते हैं, और फंजाई तो एक अलग किंगडम है, इसमें सारी फंगस आती है। इसके अलावा नॉन ऑफ द अबव, यानी ये आंसर सूट करेगा, क्योंकि कोई किंगडम तो बनी नहीं वायरसेस की, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस, मतलब हमने जब क्लासिफिकेशन की तो हमने एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्रिएट की, तो उसमें जेनरा जो है, अगर जेनरा मिल जाए तो क्या बनाएगा, यानी आप यू आर मूविंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। मैं आपको ये बात समझाता हूँ। ओके, सो ये है हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, और ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन हुई है, और ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका है। तो आप देखो, जब आप बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ आते हो तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हो। लेकिन अगर आप कंप्राइज का लफ्ज़ पढ़ें, यानी द वर्ड इज कंप्राइज, राइट? तो कंप्राइज का मीनिंग होता है टू मेक, आप ये कह सकते हो टू मेक इट बिगर। तो इसलिए जो है मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि बेसिकली यू आर नॉट मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, बल्कि आप तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। सो डेफिनेटली जो जीनस है वो कंप्राइज फैमिली करेगी, और फैमिली कंप्राइज करेगी ऑर्डर, ऑर्डर कंप्राइज करेगा क्लास, क्लास कंप्राइज करेगा फाइलम,
फालम कंप्राइज करेगा किंगडम, और बहुत सी किंगडम्स कंप्राइज करें तो वो डोमेन बना लेती हैं स्टूडेंट्स। डोमेन, डोमेन भी दो होती हैं, यू करेया प्रो करेया एंड आर्चिया भी एक डोमेन है, तीन डोमेन्स होती हैं। सो किंगडम्स जो हैं वो कितनी हैं, पाँच हैं, और फाइलम जो है बताता चलूँ मैं आपको इस वक्त तकरीबन कोई 37 से 36 फाइलर्स हैं, या 36 फाइला अभी तक हम डिज़ाइन कर चुके हैं। फिर क्लासेस तो बहुत सी होती हैं, और फिर डेफिनेटली ग्रुप्स छोटे होते जा रहे हैं तो इनकी तादाद बेतहाशा है, और स्पीशीज़ तो आई डोंट नो, देर आर सो मैनी स्पीशीज़ ऑन दिस प्लानट अर्थ। ओके, तो आप बताएं, अब जो जेनरा है यानी जीनस है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा, जेनरा क्या बनाएगा बताएं, आप खुद सोचें इनमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। ओके, सो यू थिंकिंग फैमिली, ओके यू आर थिंकिंग वेरी राइट, सो द आंसर इज फैमिली, राइट। स्टूडेंट छठे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई यूनिसेलर यूक्रियोट्स? अभी मैंने आपसे बात की थी कि यूनिसेलर यूक्रियोट जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, तो आप यूनिसेलर प्रोक्रियोट्स को जो है आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा में ही रख सकते हो, क्योंकि फंगस में मल्टी सेलर जानदार आ जाते हैं, यहाँ पे भी फंगस है और ये फंगस में तो रखना ही नहीं है आपने, तो लिहाजा ओनली प्रोटिस्टा इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स टॉक अबाउट द 7th एमसीक्यू इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल मीन टू नेम्स, नॉमेनक्लेचर नाम रखना। सो बायनोमियल दो नाम रखना, यानी दो नाम को आपने रखना है, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह फ्रॉग है वो राना टिग्रीना है, उसका राना और टिग्रीना जो है हमने दो नाम रखे हुए हैं, तो ये कार्लस लीनियस नामी साइंसदान, इसने बहुत सी जानदारों के नाम रखे, इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, आपने तैयार करना है। सो इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ द डैश नेम इज़ कैपिटलाइज्ड। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी नाम रखते हैं तो जीनस का नाम और स्पीशी का नाम दोनों का रखा जाता है। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि अगर हम ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन करें तो ये जीनस का नाम होमो है और स्पीशी का नाम सैपियंस है, और उसमें देखें हमने एच डॉट भी लगाया हुआ जिसमें एच कैपिटल लिखा हुआ, तो ये एच डॉट का मतलब है हमने जीनस नेम भी लिखा हुआ, यानी स्पीशी नेम जब लिखते हैं तो आप दो नाम लिख देते हैं। और इस तरह से आप इधर देख सकते हो पाइसम यू नो इज़ द नेम ऑफ पी प्लांट, और सैटिवम इज़ द स्पीशी नेम, तो पाइसम सैटिवम जो है दैट इज़ बींग द नेम ऑफ अ प्लांट। तो इस तरीके से जो है आप दो नाम रखते हो, तो पहला नेम जीनस होता है, दूसरा नेम स्पीशी का नेम होता है, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल और डॉट लगा के आप स्पीशी का नेम यानी सैपियंस, यानी हमें ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहते हैं, पर इनकी वैरायटी भी काफ़ी है, जिस तरह एशियंस हैं, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, वैरायटी आगे आती है, लेकिन हम शायद क्लासिफिकेशन का जो ग्रुप है वो स्पीशीज तक ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हायरार्की बनाई गई है, यानी अगर हम देखें डेफिनेटली एक ग्रुपिंग को देखें, तो मैंने भी आपको ग्रुपिंग दिखाई भी थी, तो उसमें ये जो हायरार्की है इसका मतलब है लैडर बनाना, यानी फ्रॉम द बिगर ग्रुप टू स्मॉलर ग्रुप की तरफ आना, यानी बिगर ग्रुप से जो है यू आर मूविंग टूवर्ड्स द स्मॉलर ग्रुप, तो लिहाजा व्हाट यू आर टॉकिंग हेयर, सो गोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर टू बिगर, और स्मॉलर से बिगर का वो कह रहा है, यानी ही इज टॉकिंग कि आपने स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है, बिगर से स्मॉलर, यानी किंगडम से नीचे नहीं आना, आपने स्पीशी से ऊपर जाना है, तो स्पीशी जीनस, जीनस के बाद आई थिंक सो फैमिली, फैमिली के बाद क्लास, देन देर इज ऑर्डर एंड द फाइलम एंड ओके जीनस स्पीशी किंगडम तो गलत हो रहा है, सो ओके फाइन, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज क्लास के बाद ऑर्डर आता है और फिर फाइलम, यानी किंगडम फाइलम ऑर्डर क्लास फैमिली जीनस स्पीशी, ये एक सही तरीका है ना, सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके सो लेट्स मूव टूवर्ड्स 9th वन। ओके अगर 9वें की तरफ देखें, 9th वन की तरफ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेटली आपको मैंने बता दिया कि पहले जो जीनस का नेम है उसको सिर्फ लेटर कैपिटल में, फिर डॉट, और फिर ये कॉल आए जो है दैट इज़ बेसिकली यू कैन से स्पीशी नेम है। सो ई कॉल आए बैक्टीरिया का एक नस्ल है, बैक्टीरिया की नस्ल का नाम है, और ये बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। और कैनस ल्यूपस ये भी एक पौधे का नाम है, एंड सैकरम ये गन्ना है, इसकी स्पीशी का नाम है,
एंड ग्रांट्स गजिल, ये नहीं मुझे पता, ये आप कमेंट करो ताकि सबको पता लग जाए. ओके, सो ई कोलाई इज द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया एंड दैट इज द वे टू राइट द साइंटिफिक नेम बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड, राइट? और आगे चलते हैं अब 10वें लास्ट एमसीक्यू की तरफ. नो आई थिंक तो लास्ट नहीं है, बस दो और पड़े हैं. ओके, सो अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलर, एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर है अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से रहना सीखा हुआ है, यानी उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट होगा, यू नो फोटोसिंथेटिक पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एंड हैज़ मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन्स, और उसके मल्टी सेलर जानदार है, डेफिनेटली मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे उसमें, यानी आप कह लो उसमें जो भी, मतलब अब आजकल के हम मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन्स को देखें तो वो फ्लावर वगैरह होते हैं, एंड यू नो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें मेल और फीमेल होते हैं, तो मैं क्लास 10 बायोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करूंगा. बहरहाल, सो टू विच किंगडम डज इट बिलोंग, वो कौन सी किंगडम से बिलोंग करेगा? ओके, सो अ सर्टेन ऑर्गेनम जिसमें फोटोसिंथेटिक होगा, तो उसको फोटोसिंथेटिक को आप आंखें बंद करके प्लांटी में रखोगे, याद रखना, क्योंकि प्लांटी किंगडम इज ऑल फॉर प्लांट्स, राइट? सो एनिमिलिया फॉर एनिमल्स, फंगाई कभी भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ये एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, और यू नो दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये हमेशा दूसरे जानदारों से खुराक लेते हैं, एंड प्रोटिस्ट भी जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन प्रोटिस्ट लाइक एल्जे, वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं वैसे. तो अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है ना, तो प्रोटिस्ट में सिंपल मल्टी सेलुलर आ जाते हैं और यूनिसेलुलर आते हैं, तो इसलिए मैं इसको नॉमिनेट नहीं कर रहा, हालांकि इसमें भी होते हैं फोटोसिंथेटिक जानदार इस किंगडम में, लेकिन प्लांटी इज द मोस्ट फेवरेट आंसर. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं 11th क्वेश्चन की. स्पीशीज दैट आर इन द सेम डैश आर मोर क्लोज रिलेटेड. ओके, स्पीशीज ऐसी जो डैश सेम में हो, क्लोज रिलेटेड होती हैं, देन द स्पीशीज दैट आर इन द सेम डैश. ओके, अब छोटा ग्रुप होगा ना तो स्पीशीज ज़्यादा आपस में रिलेट करेंगी, तो पहले में छोटा ग्रुप ढूंढो आप. फाइलम तो बहुत बड़ा ग्रुप है, फैमिली भी बड़ा होता है, क्लास भी बड़ा है, फैमिली बड़ा छोटा है, और फैमिली, अब ये इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, ठीक है? सो फैमिली छोटा ग्रुप है, ये भी फैमिली छोटा ग्रुप है. अब फैमिली के बाद नीचे क्या आता है, जीनस आता है ना, और फैमिली के ऊपर ऑर्डर आता है, तो लिहाजा इसको तो मैं चूज़ कर नहीं सकता, तो लिहाजा मैं 11वें का जो आंसर चूज़ करूँगा. ओके, सो दे आर आस्किंग स्पीशीज दैट आर इन द सेम फैमिली आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड देन द स्पीशीज दैट आर इन द सेम ऑर्डर. ओके, यहाँ पर हम स्मॉल ग्रुपिंग की बात करेंगे और यहाँ पर बिगर ग्रुपिंग की बात करेंगे, ठीक है? तो डेफिनेटली फिर जीनस तो छोटा ग्रुप हो जाएगा, यानी ये बिगर ग्रुप हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, सो दैट मेक्स द रॉन्ग सेंसेशन, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फैमिली आप कह लो कि उसमें जानदार सेम होंगे, लेकिन मतलब फैमिली में जानदार ज़्यादा सेम होंगे एज़ कम्पेयर टू द जानदार प्रेजेंट इन द ऑर्डर, क्योंकि ये एक छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है, सो दैट मेक्स एन आइडिया. आई होप मैंने आपको कन्फ्यूज़ नहीं किया, एंड अगर आपको बात समझ नहीं, एक दफ़ा थोड़ा सा 10-15 सेकेंड पीछे करके दोबारा सुन लें बात को, आई होप आपको समझ में आ जाएगी, वरना लेक्चर सुने मेरा, वहाँ से इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगी. और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर्स के ना आपके बायोलॉजी के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं. चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में जाएँ आप, बल्कि चैनल पे जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएँ, अपने चैप्टर्स ढूंढें, वीडियोस देखें. और अब चलते हैं अब अगले एमसीक्यू की तरफ, ठीक है? सो व्हेन द लास्ट मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज डाइज, ओ ये तो बहुत बुरा हो गया, यानी स्पीशीज का आखिरी मेंबर भी मर गया, द साइन द स्पीशीज इज सेड टू बी, तो स्पीशीज को क्या बोलोगे? आखिरी मेंबर भी मर गया ना, तो दैट इज क्वाइट बैड. एस्टैब्लिश तो हुए नहीं, क्योंकि एस्टैब्लिश का मतलब है तो यू नो कायम होना, बढ़ना. एक्सटेंट अच्छा लफ्ज है वैसे इसके लिए, थ्रेटेंड में तो खतरा होता है लेकिन ख़त्म नहीं होते, इनडेंजर्ड में भी खतरा होता है लेकिन ख़त्म नहीं होते, जैसे पांडा है ना, पांडा वो इनडेंजर्ड है, ख़त्म तो नहीं हुआ ना, लेकिन थिंक लास्ट मेंबर भी जो है वो स्पीशीज का मर चुका है. बी इज द राइट आंसर, एक्सटिंक्ट, राइट? उसके बाद चलते हैं हम अपने आखिरी एमसीक्यू की तरफ. ओके, सो इसमें हम देखें तो इन इन विच सीजन हुबारा बस्ट, राइट? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानदार है, पाकिस्तान में आता है ये सर्दियों के सीजन के करीब करीब, माइग्रेट्स टू द पाकिस्तान एंड सेटल्स है, और यहाँ पर सेटल करता है, और यही पूछा उन्होंने कि आता कब है, वैसे मैंने सर्दियाँ आपको कहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कब आता होगा? तो सर्दियों में ही आता होगा, सो विंटर इज़ द राइट आंसर. ओके, सो चलते हैं अब अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और उससे पहले अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं.
ओके सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो ये है रिलेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो आपको मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको सब बात समझाऊंगा, बट दैट इज़ द आंसर। आप इसको कॉपी कर लें, अपनी रेफरेंस बुक्स निकाल लें और अभी कॉपी से इसको आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीन शॉट जो है वो सेव कर लें, जब आपका दिल करेगा तब कॉपी कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सो ये टोटल टोटल 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप कॉपी कर लें एंड दैट इज़ द आंसर। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कीप इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट। ओके इसमें स्टूडेंट्स आप पहले क्लासिफिकेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद फिर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, उसका ये नीड है। सो राइट दिस पैराग्राफ, राइट। ओके सो इसको आप कॉपी कर लो। उसके बाद आप ये डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स ऑल्सो राइट द एम्स एंड क्लासिफिकेशन, ये आप हेडिंग दो। फिर आप ये लिख लो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें आप टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन लिख लो, सिस्टमैटिक की भी डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, सो दीज आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको आपने फॉलो करना है। उसके बाद फिर ऑन विच बेसिस बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल द नोन ऑर्गेनिजम्स, और ये आप हेडिंग लगाओ। फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप ये सिमिलैरिटी वगैरह लिख लो, ये सब चीज़ें लिख लो, ठीक है। और उसके बाद आप इस पार्ट को भी कॉपी कर लो, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द बेस फॉर एस्टैब्लिशिंग 5 किंगडम किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेस बताएं आखिर 5 किंगडम क्यों बना दी गई। उसके लिए ये सबसे पहले आप लिख दो कि ई चैटन वगैरह, सो दिस इज द बेस। उसके बाद आप ये स्टार पॉइंट लिखो, उसके बाद फिर आप ये पॉइंट लिखोगे, देन द मॉडिफिकेशन इन 5 किंगडम सिस्टम आप ये लिखोगे, और मॉडिफिकेशन क्या की गई और उसके बारे में लिख दो। विटेकर तक आपका जो है ये जवाब होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो फिर यहाँ पे जस्टिफाई व्हाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम। वायरसेस जो हैं इनको 5 किंगडम में से क्यों निकाल दिया गया, बड़ी अजीब बात है वैसे। यहाँ पर ये सवाल भी बनाया जा सकता है कि स्टेटस ऑफ वायरसेस के बारे में बताएं, और वायरसेस जो हैं प्रायोन्स हैं या वायरॉइड्स हैं ये बेचारे क्यों नहीं 5 किंगडम में आ रहे। तो ये आप स्टेटस ऑफ वायरसेस के भी हेडिंग लगा दो, मतलब क्वेश्चन आपका वही होगा जो मैंने बताया। तो ये हेडिंग लगाओ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये इसका प्रोसीडिंग आंसर है, और उसके बाद ये नोट लाजमी लिखिएगा और यहाँ तक इसका आंसर क्लोज होगा, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो देयर वी हैव द 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सो इस पैरे में क्या हो रहा है कि आप इसको भी जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर लें, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में लिखें, फिर कार्लस लीनियस के बारे में जो है आप लिखें, फिर इन रूल्स के बारे में लिख दें, राइट। सो दीज आर द जनरल रूल्स, और ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सो देयर वी हैव द 3rd रूल, और ये हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो यहाँ तक लिखेंगे एंड दैट विल रियली शो यू के बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है और आखिर ये क्यों की जाती है। ओके सो द 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर हम इम्पैक्ट देखें ह्यूमन बीइंग्स का तो वो काफ़ी सवेयर किस्म का इम्पैक्ट है। बहरहाल ये बातें आप लिखें, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, और ये लिखें आप। ओके सो इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। सो दिस इज हार्मफुल इम्पैक्ट, इसको आप कॉपी कर लें। हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूकलिप्टस प्लांट्स इन पाकिस्तान, यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया का एक दरख्त है इसको पाकिस्तान में लाया गया, तो ये वाटर टेबल डिस्टर्ब करता है, अंडरग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करता है। ये यूकलिप्टस की कुछ रफ सी डायग्राम है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी। अभी हार्मफुल एस्पेक्ट रिमूवल ऑफ सी स्टार्स फ्रॉम द रीजन ऑफ ओशन, सी स्टार्स को भी अगर आप उड़ा देंगे, सो दीज आर सी स्टार्स, अगर आप इनको उड़ा देंगे फ्रॉम द ओशन, तो नीचे इसके म्यूसिल है, ये म्यूसिल है, इसको खाती है सी स्टार, सी स्टार जो है म्यूसिल को खाती है। लेकिन अगर आप ये सी स्टार को ख़त्म करेंगे तो बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट होगा, यानी जो म्यूसिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
और इसके अलावा ये आप आखिरी एक बात भी पॉइंट भी लिख सकते हैं आखिर में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट मोर देन 260,000 पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे एंड मोर देन 180 ईच मिनट, यानी हर मिनट में 100 से अफराद इस ज़मीन पर पैदा हो जाते हैं। सो दैट इज़ द आंसर। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द सेवन्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ओके सो पहले डीफॉरेस्टेशन की आप ये डेफिनेशन लिख लें, फिर ये कॉजेज ऑफ इफेक्ट्स हैं डीफॉरेस्टेशन की, इनको कॉपी करें। सो दिस इज कंटिन्यूड, इसको कॉपी कर लें। ओके सो ये अब आगे इफेक्ट्स हैं डीफॉरेस्टेशन के, इनको आप कॉपी कर लें। सो देर आर टोटल सिक्स इफेक्ट्स। ओके सो देर वी हैव द इफेक्ट्स, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद ये आठवां सवाल है, डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रोग्राम्स रनिंग इन द पाकिस्तान फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसको जो है आप देख लें, इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। बायोडाइवर्सिटी की कन्वर्सेशन को लेकर आप ये पॉइंट्स लिखें सबसे पहले, ठीक है, इसको भी ऐड कर लें, ये भी लिखेंगे आप। उसके बाद ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ये भी आप लिखेंगे, राइट। सो सेकंड पॉइंट को भी आप लिख लें यहाँ पर। लेट्स गो फॉर द थर्ड पॉइंट। इस थर्ड पॉइंट को भी लिख लें। उसके बाद वी हैव द फोर्थ पॉइंट, इसको भी आप लिख लें। लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन, इसको भी लिख लें आप। देन वी हैव द सिक्स पॉइंट, इसको भी लिख लें। ओके सो लेट्स गो फॉर द सेवन्थ पॉइंट एंड देन वी हैव इन द लास्ट 18th पॉइंट, राइट, 8th पॉइंट सॉरी। सो ये आठ पॉइंट्स भी लिखे हैं आप, ठीक है। सो दैट मेक्स योर आंसर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। सो चलते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगा एंड एनिमल। तो आप उसके लिए ये टेबल लिख सकते हैं, सो दैट इज़ द आंसर। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन स्पीशीज फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वाई, इसका जो आप लिख लें। देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में है हाउ आर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स रिलेटेड, तो इनका रिलेशनशिप जो है वो आप लिख लें। उसके बाद वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन एंड देन वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको अमूमन जो है वो बोर्ड में आ भी जाता है, तो इसका जिसका जवाब लिखें। एंड उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है विच इज़ द फिफ्थ वन, वट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर, मार्गलस एंड शकवाज इन टेक्सोनॉमी, तो इसके बारे में भी जवाब जो है ये लिख दिया गया है। सो दैट इज़ योर नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, और इसके अलावा मैंने आपको MCQs भी करवा दिए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 ऑफ 9th बायोलॉजी, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर